नमस्कार साथियों, मैं सन्नी राणा आप सभी को विद्या कुलम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर फर्स्ट यूनिट का, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर का नाम है ना। इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स देखे थे और मुझे जहाँ तक ख्याल है हम लोगों ने अंतिम यूनिट पढ़े थे, है ना। अंतिम में जो टॉपिक पढ़ा था वो यूनिट था और सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, ठीक है, यूनिट क्या होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है तो हमें एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, उसी स्टैंडर्ड को उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहा जाता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी पेन के लेंथ की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसे सेंटीमीटर में करेंगे। अगर कोई डिस्टेंस है, लंबा दूरी है, सपोज दैट रांची से पटना या रांची से कोलकाता, तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज करेंगे। सो किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब यूनिट हो गया किसका, लेंथ का, है ना। इसी तरह से अगर आप कोई छोटी सी वस्तु को वजन करना चाहते हैं तो ग्राम में, अगर कोई क्वांटिटी ज़्यादा है, चावल की बोरी है, उसको आप मेजर करना चाह रहे हैं तो आप केजी में मेजर करेंगे। तो ग्राम, केजी, ये सब मास का यूनिट हो गया। तो इसी में हम लोगों ने देखा था कि सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोग्राम हो, ये सभी जो है यूनिट है किसके, लेंथ के। ग्राम, केजी, क्विंटल, टन, ये सभी यूनिट है किसके, मास के। सेकेंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सभी यूनिट हैं टाइम के। क्लियर। फिर इसमें बड़ा कन्फ्यूजन था कि अब हम किस यूनिट को लें, सेंटीमीटर को या मीटर को या किलोमीटर को। तो इसके लिए एक बोर्ड डिसाइड किया गया और वहाँ पर उस बोर्ड ने सिस्टम बनाया जो कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। और इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर तीन सिस्टम बनाए गए, एक CGS सिस्टम, दूसरा FPS सिस्टम और तीसरा MKS सिस्टम। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था वीडियो में कि CGS सिस्टम जो है उसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। FPS सिस्टम में लेंथ फुट या फीट में मेजर होता है, मास पाउंड में मेजर होता है, टाइम सेकंड में मेजर होता है। और MKS सिस्टम में लेंथ मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता है। बाद में MKS सिस्टम को रिवाइज्ड करके SI सिस्टम बना दिया गया, और SI सिस्टम मतलब इन फ्रेंच लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ D- यूनिट्स, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम भी कह सकते हैं। सो इस तरह से MKS का प्रचलन खत्म हो गया क्योंकि वो अब SI सिस्टम बन गया। तो अब बच गए CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम। FPS का भी प्रचलन अभी बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। सो मेनली हमारे आसपास या हम जो यूज करते हैं सिस्टम, वो बेसिकली यही दो हैं, SI सिस्टम और CGS सिस्टम, है ना, यानी कि मीटर, सेंटीमीटर है, ठीक है। कुछ कुछ रेयरेस्ट फुट फीट में हम लोग बात करते हैं, जैसे आप आपकी हाइट की बात करें तो हम लोग जनरली यूज करते हैं कि हमारी हाइट 5 फीट 6 इंच है, 5 फीट 4 इंच है, है ना। तो ये अभी है प्रचलन में, ठीक है, कहीं कहीं पर है, किसी किसी पार्टिकुलर फील्ड में है, ठीक है। तो मेनली हम लोगों को यहाँ पर MKS सिस्टम और CGS सिस्टम के बारे में पढ़ना है। MKS तो बदल करके SI हो गया। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं 7, आप लोगों ने नाम याद कर लिया होगा, और नहीं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फिर से
कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो 7 हैं, तो उनके एसआई यूनिट भी होंगे। तो उनके एसआई यूनिट क्या क्या हैं? पहला, चलिए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है, फर्स्ट लेंथ मास, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट क्या है, मास है। इस मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कभी कभी स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इस मास का एसआई यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम, इन शॉर्ट वी कॉल केजी, ठीक है। लेंथ, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके एसआई यूनिट है मीटर, सिंबल में हम लोग स्मॉल एम यूज करेंगे। नंबर थर्ड, टाइम, इट्स सिंबल इज टी एंड इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड, सिंबल एस ई सी और सिंपल स्मॉल एस, ठीक है, एस फॉर सेकेंड। सो ये एसआई यूनिट है। नेक्स्ट फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी इज द टेम्परेचर, इन हिंदी टेम्परेचर इज कॉल्ड तापमान, हम लोग रोज बोला करते हैं ना तापमान, आज का 25 डिग्री सेल्सियस है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री, है ना, तो इस तरह करके बोला करते हैं। तो टेम्परेचर का भी यूनिट है, सेल्सियस होता है। अब आप जाएंगे किसी डॉक्टर के पास तो वो बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है, अगर आपको फीवर है तो, ठीक है, वो 96, कभी किसी किसी को 100 तक का टेम्परेचर दे दिया जाता है, है ना, बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। तो वहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर है केल्विन, कभी सेल्सियस। तो ये हम लोग, एक चैप्टर आएगा आपके बुक में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो वहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन टेम्परेचर को जो बेसिकली मेजर किया जाता है वो केल्विन में किया जाता है, ठीक है। ये केल्विन, लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम के रिस्पेक्ट में केल्विन जो है यूनिट बनाया गया टेम्परेचर का, ठीक है। तो केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, डिग्री रियूमर हो गया, ये सभी यूनिट हैं टेम्परेचर के, लेकिन केल्विन इज द एस आई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। हम लोग और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे की चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, बोथ आर सेम। सो इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल आई, कभी कभी कैपिटल आई भी लिखते हैं, जनरली सिंबल स्मॉल आई लिखा करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। एम्पियर इज ऑल्सो अ नेम टाइटल ऑफ अ ग्रेट फिजिसिस्ट, सो इट्स नेम इज यूज्ड एज अ यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। और जब किसी के नाम को किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट बना दिया जाता है तो उसे हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखा करते हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर आप बोलोगे कि सर नेम है तो आप यहाँ पर कैपिटल ए लिख देते एम्पियर, नहीं, ठीक है, हम उनके नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट के रूप में, ना कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके नाम को, जब किसी के नाम को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो किसी अदर थिंग्स के लिए तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, बट जब इसी को सिंबल में लिखना हो तब हम कैपिटल में लिखा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप स्मॉल के ई एल वी आई एन, है ना, और ये के है कैपिटल केल्विन, स्मॉल ए एम पी ई आर ई एम्पियर स्मॉल, है ना, और ये कैपिटल में लिखेंगे ए सिंबल के रूप में। इसी तरह से है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता, है ना, तो इसका सिंबल है आई और इसके एसआई यूनिट है कैंडेला, ठीक है, सी ए एन डी ई एल ए, सिंबल सी डी। नाउ नेक्स्ट, सेवेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, ठीक है, और इसे हम मेजर करते हैं मोल में,
किस में मेजर करते हैं, मोल में। तो इसको फुल नेम MOLE और शॉर्ट में इसको लिखा करेंगे MOL। तो इस तरह से बेसिक जो फंडामेंटल कहो, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हैं उनके SI यूनिट्स हो गए ये 7। आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, और जो मेन टॉपिक है वो है डायमेंशन आज का। ठीक है, हम लोग डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, ये तीन चीज़ों के बारे में आज सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन को हिंदी में विमा कहते हैं। ठीक है, और विमा क्या होता है, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, ये किसी भी क्यूब के लिए या क्यूबाइड के लिए, ठीक है, या सिंपल आप अपने घर की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आप उस कमरे की लंबाई, उस कमरे की चौड़ाई, उस कमरे की ऊंचाई मेजर करते हैं, तो ये जो लंबाई है, चौड़ाई है, ये वहाँ पर विमा कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, या फिर जब एक फिजिकल क्वांटिटी की मदद से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को निकालते हैं, तो हमें या तो भाग करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। ठीक है, और इस स्थिति में उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। आप लोग जानते हैं जब हम कोई भी चीज़ को गुणा करते हैं, अगर बेस सेम हो, क्लास 9 और बेस जूनियर क्लासेस का ये कंसेप्ट है कि मैथ का कंसेप्ट कि जब बेस सेम हो और उनको गुणा किया जाए तो उनके ऊपर जो पावर होते हैं वो जनरली जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी कि इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं। और जब बेस सेम हो और डिवाइड कर दिया जाए एक दूसरे से तो उनके पावर में कमी आती है, उनके पावर घटते हैं, यानी कि डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो जब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो साथ हैं उनकी मदद से जब हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को बनाते हैं, निकालते हैं, डिराइव करते हैं, है ना, आपने पढ़ा था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अनगिनत हैं जो कि इन्हीं 7 से बनाए जाते हैं। तो जब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाए जाते हैं फंडामेंटल की मदद से, तो हमें उनके पावर को घटाना पड़ता है और उनके पावर को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, सो उस पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। आपने यहाँ पर डेफिनेशन में देखे स्क्रीन में कि टू फाइंड द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू इंक्रीज और डिक्रीज द पावर। ठीक है, हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी के पावर को बढ़ाना पड़े, हो सकता है कभी किसी स्थिति में घटाना पड़े। तो जो पावर का बात किया जा रहा है, पावर, दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। सो हियर, सो दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, टू फाइंड द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू इंक्रीज और डिक्रीज द पावर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सो दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। एज फॉर एग्जाम्पल पी इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, और m इज द मास, l इज द लेंथ, t इज द टाइम। सो दिस मास, लेंथ, टाइम, दिस सिंबल, m को कैपिटल में, मास को कैपिटल m में, लेंथ को कैपिटल l में, और टाइम को कैपिटल t में लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, और इसके ऊपर a b c, ये a b c जो है यही पावर कहलाता है, और इसे ही यहाँ पर डायमेंशन कहते हैं। यानी ए इज द डायमेंशन ऑफ मास,
बी इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड सी इज द डायमेंशन ऑफ टी यानी कि टाइम। और इसको जब हम बिग ब्रैकेट जिसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब लिखते हैं तो यही कहलाता है फॉर्मूला, जो डायमेंशनल फॉर्मूला के नाम से मशहूर है। ठीक है, सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास लेंथ एंड टाइम। क्लियर। सो यहाँ पर ये जो ए है, ये जो बी है और ये जो सी है, इन तीनों को हम लोग कहेंगे डायमेंशन। ये क्या कहलाएगा? डायमेंशन। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं विमा। ठीक है, डायमेंशन। और ये कंबाइंडली जो है ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, पी हो गया फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर क्या 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 है वो मैंने लिख दिया, जैसे पी एनी फिजिकल क्वांटिटी, एम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच इज मास, एल इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, टी इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम, एंड ए बी सी, ए बी सी आर डायमेंशन ऑफ मास लेंथ टाइम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में यहाँ पर भी समझना है। ए पहले लिखा हुआ है तो ये पहले, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। तो ए का रिलेशन मास से है, है ना? आप देख रहे हैं ए किसके ऊपर है, ए मास के ऊपर है। ठीक है, नाउ बी, बी का संबंध किसके है? लेंथ से है। देखिए बी एल के ऊपर है, फिर सी का संबंध किससे है? टाइम से है। तो देखिए सी का संबंध टाइम से है, टी के ऊपर सी लिखा गया। सो ए बी सी इज द डायमेंशन, यही कहलाता है डायमेंशन। और यहाँ डायमेंशन क्या है? पावर। सो डायमेंशन का मतलब पावर, सीधा डायमेंशन मीन्स पावर। एक वर्ड आपको याद रखना है, इट इज द पावर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग डायमेंशन के बाद डायमेंशनल फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला, सिंपल एक सूत्र है, विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जो बेसिक कहो या फंडामेंटल कहिए, इन्हीं बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में जो फॉर्मूला लिखा जाता है दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। इसकी खासियत ये है कि ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। आपको याद दिला दें कि आपने पढ़ा होगा, क्लास 5 से ही स्टार्ट हो जाता है मैथ में, ये ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, और फिर इसी के अंदर ये ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, और एक होता है इस टाइप का जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि बड़ी कोष्ठक। ठीक है, इसको मंजली कहा जाता है, है ना? और ये छोटी कोष्ठक। सो स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तीन तरह के जनरली ब्रैकेट्स होते हैं, कोष्ठक होते हैं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो हमेशा इसी से ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बताया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और इस लेंथ का जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका स्मॉल ब्रैकेट के अंदर नहीं, कर्ली ब्रैकेट के नहीं, कौन से ब्रैकेट के अंदर लिखना है? बिग ब्रैकेट। तो आप देखिए यहाँ पर बिग ब्रैकेट लिखा हुआ है, और लेंथ का लिखना है तो इस लेंथ का मास से कोई कनेक्शन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये फंडामेंटल है, इसलिए
एम अगर लिखेंगे भी तो इसके ऊपर डायमेंशन क्या लिखेंगे, जीरो, ठीक है। एल तो ये लेंथ का ही लिख रहे हैं तो इसके ऊपर डायमेंशन क्या लिखेंगे, वन। चूंकि टाइम यहां पर लेंथ में नहीं इंक्लूड है तो इसलिए टाइम के लिए क्या लिखेंगे, डायमेंशन जीरो। और इस तरह से ये अंडर ब्रैकेट क्या लिखा गया, एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर वन, टी टू द पावर जीरो। तो यहां पर जीरो वन जीरो ये कहलाएगा डायमेंशन, और ये पूरा एक फॉर्मूला के जैसा है इसलिए ये कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं आपको बता दूं यहां पर इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आपको बिग ब्रैकेट लिखना है उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एम नॉट, ये जीरो जो लिखा हुआ है पावर में उसको नॉट पढ़ना है, एम नॉट एल वन टी नॉट, फिर से एम नॉट एल वन टी नॉट। इस डायमेंशनल फॉर्मूला को हम सिंपल L1 लिख करके भी चल सकते हैं शॉर्ट में, या फिर हम जानते हैं L के ऊपर पावर अगर 1 हो तो उसे लिखे या ना लिखे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, तो सिंपल L भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज L या फिर L1 या फिर M नॉट L1 T नॉट, इस फॉर्म में लिखना ज़्यादा उचित माना जाता है, ठीक है। ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, मास लेंथ टाइम, तो कम से कम हम तीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, तीन जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसमें लिखा करें डायमेंशनल फॉर्मूला, ये लिखना ज़्यादा उचित होता है, ठीक है। हालांकि आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई क्राइम नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि मास के भी टर्म में डिफाइन करें, लेंथ है तो लेंथ के टाइम रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नाउ नेक्स्ट नंबर टू एग्जांपल, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड को आप जानते हैं दिस इज कॉल्ड इन हिंदी चाल, और डिफाइन कैसे करते हैं, स्पीड क्या है, तो इकाई समय में चली गई दूरी उसी को तो चाल कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, यानी साइंस में भी पढ़ा होगा और मैथ में भी पढ़ा होगा, ठीक है। फॉर्मूला इसका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम आगे हम लोग देखेंगे जब डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए सिखाएंगे, तो अभी ये फार्मूला है, तो एम नॉट एल वन टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। कहाँ से कैसे आया ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एम नॉट एल वन टी माइनस वन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके ऊपर पावर नॉट होता है जनरली आप जानते हैं उसका वैल्यू वन होता है, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। एक्स टू द पावर जीरो यानी एक्स नॉट, वैल्यू इसका क्या होता है, वन। इस तरह से अगर किसी के ऊपर भी पावर जीरो हो उसका वैल्यू वन ही होता है, चाहे वो एक लाख क्यों ना हो, एक करोड़ क्यों ना हो, या फिर वन क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर पावर जीरो है, पावर जीरो है, गुना नहीं, गुना करेंगे अगर जीरो से तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर पावर जीरो है पावर पे तो उसका वैल्यू वन होता है, ठीक है। ये सब आपको पता है, तो यहाँ पर एम नॉट लिखा हुआ है, मतलब अगर इसको समझें तो ये वन है, वन यहाँ पर लिखा नहीं गया है, आपको समझना ये वन है इनटू में, तो एल वन टी माइनस वन। अगर आप पावर को नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन, ये अगर माइनस में है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस फार्मूला एल टी माइनस वन, एल वन टी माइनस वन, एम नॉट एल वन टी माइनस वन, ऑल दीज आर द फार्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फार्मूला, ओके। सो नेक्स्ट डायमेंशनल इक्वेशन, जब इसी डायमेंशनल फार्मूला को जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है उसके सिंबल से अगर हम उसको इक्वेट कर देते हैं तो वो डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल इक्वेशन कहलाने लगता है। सो
पहले यहाँ पर देखें डायमेंशनल फार्मूला का डेफिनेशन क्या है। व्हेन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड बाय द सिंबल ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। सपोज दैट पी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका डायमेंशनल फार्मूला एम ए एल बी टी सी है, तो ये पूरा कंबाइंडली क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। एग्जाम्पल स्पीड, स्पीड को हम जानते हैं डिस्टेंस बाय क्या होगा, टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला एल वन, टाइम का टी वन हो जाएगा। और इस तरीके से ये जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगा, सो वी इक्वल टू एल वन टी माइनस वन। इसको इस तरह से लिखना ज़्यादा उचित होगा, वी इक्वल टू एल वन टी माइनस वन, बट इधर भी ब्रैकेट और इधर भी ब्रैकेट, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम के टर्म में, ठीक है, भी यानी कि स्पीड इक्वल टू एम नॉट एल वन और टी माइनस वन, ये भी क्या हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन। सो बिल्कुल एकदम मोटा मोटी तौर पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर ए बी और सी जो है इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे, डायमेंशन, ठीक है, ए बी बी और सी ये तीनों क्या कहलाएंगे, डायमेंशंस। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिस वन, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। डी एफ का मतलब यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायमेंशनल इक्वेशन। यहाँ डी ई का मतलब क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, क्लियर। तो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल हैं, कुछ डिराइव्ड हैं, उनके डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको सात जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसे आप फंडामेंटल कहते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर एक मैंने लिस्ट तैयार कर दिया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का देखते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सात तक हैं। मास का सबसे पहले, मास का डायमेंशनल फार्मूला एम वन एल नॉट टी नॉट या फिर सिंपल एम लिख सकते हैं, ये आपको याद करना होगा, ठीक है, बस आप दो चार बार इसको रीड कीजिएगा, वो अपने दिमाग में सेट हो जाएगा। सेकेंड लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एम नॉट एल वन टी नॉट, क्या पढ़ना है, एम नॉट एल वन टी नॉट, और हमेशा बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। अगर आपने ऐसा लिख दिया एम नॉट एल वन टी नॉट और आप खूब खुश हो गए कि चलिए हमने तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया एम नॉट एल वन टी नॉट, तो आपने गलत लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आपने स्क्वायर ब्रैकेट तो लगाया ही नहीं। सो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइम, टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, टी या फिर एम नॉट एल नॉट टी वन। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर एम नॉट एल नॉट टी नॉट, K
के वन, यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, गौर करें कि सर मास का डायमेंशनल फार्मूला एम, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी, यानी कि ये एम एल टी जो है वो सिंबल है मास का फर्स्ट लेटर, लेंथ का फर्स्ट लेटर, टाइम का फर्स्ट लेटर। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो टी होना चाहिए, बट ये के कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, अगर हम टेम्परेचर के लिए भी टी यहाँ लिख दें तो अब आप किसको टी समझेंगे, टाइम के लिए या फिर टेम्परेचर के लिए, कन्फ्यूजन होगा। इसलिए यहाँ से क्या कर लिया गया, टेम्परेचर के लिए जो उसके यूनिट हैं, एसआई यूनिट, मैं आपको याद दिला दूँ टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है। देखिए टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है, तो केल्विन के सिंबल को यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला बनाया गया है, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट और के वन, के टू द पावर वन, या फिर सिंपल के लिखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है, टेम्परेचर का है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करेंट सिंबल स्मॉल आई, यहाँ पर भी आपको समझना है कि एम एल टी तो लिखना है, साथ ही इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे ना कि आई लिखेंगे, आई नहीं लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ स्टार लगा दिया, क्योंकि यहाँ तीन ठो ये मास, लेंथ, टाइम, इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला जब लिखेंगे तो बस इसके फर्स्ट लेटर को यूज कर लेते हैं एम एल टी, बट यहाँ पर इसके यूनिट को यूज किया जाने लगा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें इसका यूनिट केजी होता है तो यहाँ केजी नहीं लिखा गया, इसका यूनिट मीटर होता है तो मीटर नहीं लिखा गया, इसका यूनिट सेकेंड होता है तो यहाँ पर एस नहीं लिखा गया, क्लियर। यहाँ पर मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग इसके सिंबल को ही यूज कर लेते हैं एज अ डायमेंशनल फार्मूला, बट टेम्परेचर के लिए हम लोग टी नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ई नहीं लिखेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए एल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम इसके एसआई यूनिट को यूज करेंगे फॉर द डायमेंशनल फार्मूला। सो टेम्परेचर का जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो के या फिर एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, के वन, आपको बता दें ये लिखना ज़्यादा सही है, ऐसे ये भी लिखोगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा उचित है। इलेक्ट्रिक करंट आई, इसका डायमेंशनल फार्मूला एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट और ए वन या फिर ए, ए स्टैंड हियर एम्पियर, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट, ओके। नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई, सिंबल इसका आई कैपिटल, तो यहाँ पर एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट और सी डी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट होता है कैंडेला, और कैंडेला के लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल सी, स्मॉल डी, सो इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा, वन। नाउ सेवन, सेवंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, सो इसका डायमेंशनल फार्मूला एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट और फिर यहाँ पर उसके एसआई यूनिट को यूज करेंगे, ना कि अमाउंट का ए यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपने ए यहाँ यूज कर दिया तो फिर इसका और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो जाएगा, ठीक है, और सेम हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा आगे। हालांकि हम बताएंगे डायमेंशनल फार्मूला बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन सात में से सेम नहीं होंगे, ठीक है, सात कोलाइड नहीं करे, क्लियर, क्योंकि ये फंडामेंटल है। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट और मोल वन, क्लियर, या फिर सीधा क्या लिखेंगे, मोल, ठीक है। तो ये सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके ये होंगे डायमेंशनल फार्मूला,
तो आपको मैंने यहाँ बताया कि 1, 2, 3 ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है, जिसे हम फंडामेंटल, दीज ऑल आर द बेसिक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और इसी में से ये चार और जुड़ जाएंगे, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये सभी मिल करके हो जाएंगे फंडामेंटल, क्लियर। तो कम से कम जब भी हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो इन बेसिक को इग्नोर ना करें, एम, एल और टी, ये तीन कम से कम शामिल करना चाहिए, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग 8 नंबर। यहाँ से अब आपका जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रेथ का, हाइट का, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, डेप्थ का। अगर आप इसे समझ पा रहे होंगे तो बड़े आसानी से मैं बता रहा हूँ, इसको समझिए, ठीक है। अगर इस मोबाइल की बात करें, तो ये जो है लेंथ कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लेंथ। दिस वन इज कॉल्ड लेंथ, क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, इधर ये क्वांटिटी में ज़्यादा है। इसको मेजर करेंगे तो हो सकता है ये 15 हो, और जब इधर मेजर करेंगे तो हो सकता है ये 5 हो। तो 15 बड़ा है या 5 बड़ा है, सिंपल सी बात है, 15। तो जो 15 क्वांटिटी है उसको बोल दिया गया लेंथ, और जो 5 है उसको बोल दिया गया ब्रेथ। बट बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है, ये भी लेंथ ही है, ये भी लेंथ है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, इसकी अमाउंट कम, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, इसलिए ये अदर नेम से जाना जाने लगा ब्रेथ, और ये हो गया लेंथ। फिर जब हम इसी को खड़ा कर दें, ठीक है, तो ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से इसकी जो लंबाई ऊपर ऊपर जब हम मेजर करेंगे तो ये कहलाएगा हाइट, और जब हम ऊपर से नीचे मेजर करेंगे तो कहलाएगा डेप्थ। यही जब टेढ़े मेढ़े पाथ हो, पाथ दो पॉइंट के बीच का जो पाथ है, ठीक है, उस पाथ की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, तो डिस्टेंस भी लेंथ है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया जिसे दूरी कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट जिसे विस्थापन कहते हैं, है ना, विस्थापन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर है, आप यहाँ से ऐसे घूम करके गए तो ये हो गया डिस्टेंस, और ये शॉर्ट मार दिए ऐसे, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ा लॉन्ग है और ये डिस्टेंस थोड़ा शॉर्ट है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ स्पेशल एंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। सो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, हाइट हो, ब्रेथ हो, डेप्थ हो, ऑल दीज आर अ स्पेशल टाइप लेंथ। सो लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए होंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज एल, दैट इज वाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डेप्थ ऑल्सो एल, क्लियर, इन फुल एम नॉट एल वन टी नॉट, अंडर ब्रैकेट ये देना भूलना नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट इज द स्पीड, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला एल होता है, आप यहाँ एल लिख सकते हैं, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला ऊपर आपने देखा टी। सो जब ये टी ऊपर जाएगा इधर पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस वन, क्योंकि आप जानते हैं अगर वन बाय एक्स लिखा हो तो हम इसे x टू द पावर माइनस वन लिखते हैं। ये छोटा सा एक मैथ का फॉर्मूला है। सो
यहाँ पर 1 बाई टी लिखा हुआ है, तो L1 तो L1 हो जाएगा और 1 बाई टी को हम t टू द पावर माइनस 1 लिखेंगे, तो इस तरह से स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L1 t माइनस 1 और m नॉट L1 t माइनस 1। इसी तरह से वेलोसिटी, वेलोसिटी जिसको हम वेग कहते हैं, दिस इज द वेग, वेग और स्पीड बोथ आर सेम, वन हैज डायरेक्शन बट अनदर हैज नो डायरेक्शन। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, इसलिए इसके ऊपर एक ये डायरेक्टेड लाइन का सिंबल यूज कर देते हैं, ठीक है। बट स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। एक में डायरेक्शन होता है, एक में डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें डायरेक्शन होता है वेलोसिटी में, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। वो हम आगे बताएंगे आपको, और आप पढ़े भी हैं, ठीक है। मैं जो ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ उसमें तो आपने पढ़ा है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी ये हो गया भी, इसका सिंबल यूज करते हैं भी, और इसके ऊपर एरो, फॉर्मूला इसका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला एल, टाइम का टी, तो फाइनली हो जाएगा एल वन टी माइनस वन और एम नॉट एल वन टी माइनस वन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं, ठीक है, यानी कि जब वेलोसिटी बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी बढ़ने या फिर घटने, ठीक है, की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति में है, कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, तो उसकी गति एक समान रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, हो सकता है बढ़े, हो सकता है घटे, तो परिवर्तन तो होगा। तो उस परिवर्तन को, यानी कि जो वेग में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि त्वरण कहते हैं। सो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर। और नहीं तो सिंपल आप फॉर्मूला याद रखिए, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपने यहाँ बना लिया है एम नॉट एल वन टी माइनस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m नॉट l1 t माइनस 1 और टाइम के लिए t1, और इस तरह से फिर से ये t1 ऊपर जाएगा तो माइनस t1 होगा, और माइनस t1 के बाद हम इसे लिख सकते हैं m नॉट l1 t माइनस 2। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज m नॉट l1 t माइनस 2। नाउ नेक्स्ट इज द फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मास, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन। क्लियर। और यहाँ पर लेंथ नॉट टी नॉट इंटू एक्सेलरेशन का यहाँ पर हमने निकाला हुआ है, आपको यहाँ दिखा दे एम नॉट एल वन टी माइनस टू, तो उसी डायमेंशनल फॉर्मूला को यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे एम नॉट एल वन टी माइनस टू, और सभी अंडर ब्रैकेट में रहेंगे। अगला टर्म क्या लिखेंगे हम लोग, जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर पावर जोड़ेंगे वन प्लस जीरो, और एल के लिए जीरो प्लस वन, है ना, और टी टी पावर सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो प्लस माइनस टू। तो कुल मिलाकर के ये जो बन करके हमारे पास आएगा फॉर्मूला, वो हो जाएगा m वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो माइनस टू, ये क्या हो जाएगा माइनस टू। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया m l t माइनस टू। This is the dimensional formula of force m l t minus 2। क्या पढ़ेंगे m l t minus 2 या फिर m1 l1 t minus 2। This is the dimensional formula of force। चलिए एक और बनाते हैं, linear momentum।
लीनियर मोमेंटम को मोमेंटम भी कहा जाता है, यानी कि संवेग। मोमेंटम का मतलब संवेग, वेग में परिवर्तन। ठीक है, जब किसी वस्तु के वेग और उस वस्तु के द्रव्यमान को जब गुणा किया जाता है तो संवेग मिलता है, यानी संवेग इज, संवेग जो होता है वो गुणनफल होता है किसका, द्रव्यमान और वेग का, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। सो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल नॉट और टी नॉट इंटू वेलोसिटी का एम नॉट एल वन टी माइनस वन, ये बिग ब्रैकेट के अंदर सब लिखेंगे। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा वन प्लस जीरो, क्लियर, ये वन और ये प्लस जीरो। फिर इसी तरह से एल, एल के ऊपर पावर जीरो प्लस वन, टी के ऊपर पावर जीरो और प्लस वन, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एम वन एल वन टी माइनस वन। तो अब आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं या फिर सीधा सीधा एम एल टी माइनस वन, दिस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसे आप वीडियो को बड़े अच्छे से आप देखें सीखें, और क्लास में जो मैंने बताया है नोट्स, आप लोगों ने नोट किया होगा तो उसमें मैंने बहुत सारा लिखाया है, लगभग 45 डायमेंशनल फार्मूला लिखाए हैं। तो आप सीख गए, आप उन सभी को खुद से बना करके देखना है। चलिए, तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो बेसिकली SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन पढ़ लिया, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ लिया, डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ लिया, और कुछ डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिखने सीख गए। अब बारी आती है यूज, इसके डायमेंशनल फार्मूला का यूज। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला का यूज जो है वो तीन यूज है। पहला जो डायमेंशनल फार्मूला का यूज किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, सो दैट इज द फर्स्ट, टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग पढ़े हैं, CGS सिस्टम, SI सिस्टम, है ना, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, ये सब पढ़े हैं। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में जब हम लोग चेंज करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला काफ़ी मदद करता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो पहला यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, फर्स्ट यूज वेयर टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। नाउ नंबर टू, सेकेंड यूज क्या है, टू चेक द करेक्टनेस या कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब करेक्टनेस, कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम इक्वेशन की बात करें, एफ इक्वल टू एम ए, बी इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लास नाइन में आपने ये सब पढ़ा होगा, देखा होगा। सो इन सभी इक्वेशंस की सत्यता को परखने के लिए हम डायमेंशन फार्मूला का यूज करते हैं। नंबर थर्ड, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमोंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये सब फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ये रिलेशन जो बनाया गया है, उस रिलेशन को हम चेक भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला की मदद से। सो देयर आर द थ्री यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, फर्स्ट टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, सेकेंड इज टू चेक द कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, एंड द थर्ड इज टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज।
ओके, सो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन पॉसिबल है, उस रिलेशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, उस रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं इन तीनों यूजेज के, ठीक है। सो फर्स्ट आज देखते हैं, पहला जो यूज है डायमेंशन फॉर्मूला का, टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इस सेंटेंस का क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या कह रहा है कि वी कैन चेंज द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम SI टू CGS सिस्टम। SI सिस्टम से हम CGS सिस्टम में जा सकते हैं या फिर CGS से SI में भी जा सकते हैं, इसी के लिए वाइस वर्सा लिख दिया है, मतलब इसी के अनुरूप। वी कैन चेंज द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम SI सिस्टम टू CGS सिस्टम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसी का उल्टा, CGS से SI, SI से CGS और CGS से SI जा सकते हैं। सो फॉर दिस कन्वर्शन वी हैव नीड या वी हैव रिक्वायर्ड ए यूनिक फार्मूला, दैट फार्मूला इज दिस वन, N2 इक्वल टू N1 इनटू M1 डिवाइड बाय M2 ब्रैकेट A इनटू L1 डिवाइड बाय L2 ब्रैकेट पावर बी इनटू T1 T2 ब्रैकेट पावर सी। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, ये एक फॉर्मूला है जिसे आपको ध्यान से समझना है। N2 इक्वल टू N1 M1 डिवाइड बाय M2 पावर A L1 L2 पावर बी इंटू T1 T2 पावर सी। यहाँ पर ये सब है क्या, ठीक है। हियर N1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। जो भी सिस्टम दिया हुआ रहेगा हम उसके मैग्नीट्यूड को मानेंगे फर्स्ट यूनिट, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि 1 meter इक्वल टू 100 centimeter होता है, बचपन में आपको रट लिए इसको, 1 meter इक्वल टू 100 centimeter, या फिर 1 kilometer इक्वल टू 1000 meter, या फिर रटे 1 kg इक्वल टू 1000 gram, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट सिस्टम और ये सेकेंड सिस्टम हो गया। फर्स्ट सिस्टम में ये 1 जो दिख रहा है दैट इज द N1, और ये जो दिख रहा है वो है N2। सो हियर N1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड N2 मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। नाउ M1 M2 इज वॉट, M1 M2 इज द मास इन फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम रिस्पेक्टिवली। M1 फर्स्ट सिस्टम के लिए है, M2 सेकेंड सिस्टम के लिए है। इसी तरह से L1 एंड L2, L1 फर्स्ट सिस्टम के लिए और L2 सेकेंड सिस्टम के लिए। इसी तरह से T1 एंड T2, टाइम इन फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मैं फॉर्मूला फिर से रिपीट किए देता हूँ। N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 डिवाइड बाय M2 पावर A इंटू L2 ब्रैकेट पावर B इंटू T1 डिवाइड बाय T2 ब्रैकेट पावर C, और हियर ABC इज द डायमेंशन। ABC क्या है, डायमेंशन है। सो हियर A, B, C आर द डायमेंशंस ऑन मास कॉमा लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। क्लियर। अब चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन दिस इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 न्यूटन
इन डाइंग। आपके लिए ये वर्ड शायद नया हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूटन, ये जो न्यूटन है, न्यूटन ये यूनिट है, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का एसआई यूनिट है। और जो डाइन है, डी वाई एन ई, शॉर्ट में डी वाई एन लिखते हैं, उच्चारण इसका करेंगे डा ई न, ठीक है, डाइन। तो ये जो डाइन है ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ये बात आपको जानकार रखना है, जानकारी में रखना है ये बात को। तो अब हम इसे सॉल्यूशन बनाते हैं। आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भाई 5 न्यूटन बराबर कितना यहाँ पर डाइन होगा, ठीक है। तो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम क्या है। तो न्यूटन इज द फर्स्ट सिस्टम, जो दिया हुआ है दैट इज द फर्स्ट सिस्टम, और जिसको निकालना है दैट इज द सेकंड सिस्टम। ये फर्स्ट सिस्टम हो गया, फर्स्ट सिस्टम, और जो निकालना है वो हो गया सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएंगे कैसे, तो 5 न्यूटन इज द फर्स्ट सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम जो है डाइन इज द सेकेंड सिस्टम। सो गिवन फर्स्ट सिस्टम इज एसआई सिस्टम एंड द सेकेंड सिस्टम इज सीजीएस, ठीक है, ऑफ एसआई जो है वो न्यूटन एंड सीजीएस क्या है, डाइन। अब ये है किसका डायमेंशनल फॉर्मूला या किसका ये यूनिट है ना, किस फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट होता है। न्यूटन इज द एसआई यूनिट, बट विच फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स का। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सॉरी, न्यूटन न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट है, और इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू m1l1t-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला पीछे मैंने बताया है, तो आप लोगों को भी ये याद रखना है डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, m1l1t-2। अब यहाँ पर जो चीज हम लोगों को जानना है वो n1, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5, और n2 इसको निकालना है, साथ ही a का वैल्यू ये है 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला
बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है, n2 इक्वल टू n1 इनटू m1 m2 टू द पावर a इनटू l1 l2 टू द पावर b इनटू l t1 टू द पावर t2 और पावर यहाँ हो गया c। ये फॉर्मूला है, पीछे मैंने बताया आपको, यहाँ पर ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला से n2 का वैल्यू निकालेंगे। तो यही फॉर्मूला का यूज यहाँ पर हमने कर लिया। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को लिखेंगे हम लोग। n1 का वैल्यू हो गया 5 इंटू एम वन, एम वन मास इन फर्स्ट सिस्टम। तो मास इन फर्स्ट सिस्टम, तो यूनिट क्या होता है फर्स्ट सिस्टम, यहाँ SI है, तो SI में मास का यूनिट क्या होता है, kg। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 kg। भाई फर्स्ट सिस्टम हमारा SI है, तो SI में मास का यूनिट क्या होता है, kg होता है। वहीं पर m2 ये सेकेंड सिस्टम है, और सेकेंड सिस्टम हमारा क्या हो, CGS है। तो CGS सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है ग्राम। ठीक है, आप देख लेंगे पिछला वीडियो, वहाँ पर आपको बताया है मैंने। देखिए CGS सिस्टम में मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में, और SI जो है MKS को कहते हैं। तो यहाँ पर मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, kg में। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया फर्स्ट सिस्टम के लिए यूनिट kg, सेकेंड सिस्टम के लिए यूनिट क्या होगा, ग्राम। और ग्राम लिखने से पहले हम यहाँ पर वन लिखेंगे, वन ग्राम। ग्राम अच्छा नहीं, उसके साथ कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और इन सब के ऊपर पावर जो है a है, तो a के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे, वन। तो यहाँ पर हो गया वन इंटू एल, लेंथ है तो लेंथ का SI यूनिट क्या हो गया, मीटर। यहाँ पर लिखेंगे वन मीटर। और CGS यूनिट में क्या होता है, सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे वन सेंटीमीटर। पावर B है तो B का वैल्यू कितना है, वन, तो यहाँ पर भी लिखेंगे वन। फिर इनटू टाइम, टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे वन सेकेंड। CGS में भी टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड। और इसके ऊपर पावर C, C का वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस टू, तो यहाँ लिख देंगे माइनस टू। तो ये फॉर्मूला लिख लिए। अब ग्राम और kg हमको जाना है सेकेंड सिस्टम में, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना होगा। क्यों, क्योंकि हमको SI से CGS में जाना है, आपको यहाँ पर फर्स्ट सिस्टम से सेकेंड सिस्टम में जाना है, क्योंकि आपसे पूछा है 5 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा। तो 5 न्यूटन फर्स्ट सिस्टम है, कितना डाइन होगा ये सेकेंड सिस्टम है। तो यहाँ पर जो ग्राम है वो CGS सिस्टम और kg SI है, तो SI से CGS में जाना है, इसलिए इस kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये सेकेंड तो सेकेंड में है ही। चलिए तो नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 इंटू 1 kg के लिए आप क्या लिख सकते हैं ग्राम में, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और ये हो गया 1 ग्राम, ब्रैकेट ऊपर पावर 1 इंटू 1 मीटर के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, और नीचे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर पावर हो जाएगा 1। फिर ये इंटू, और यहाँ पर 1 सेकेंड, फिर डिवाइड बाय 1 सेकेंड, और पावर हो जाएगा माइनस 2। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 5 इंटू 1000 बाय 1, और इसके ऊपर पावर 1, तो गुना होकर के ये सीधा हो जाएगा 1000 ही। फिर इंटू 100 डिवाइड बाय 1, 1 लिखा नहीं जाता है, तो 100 हो गया, 100 के ऊपर पावर 1,
तो 100 के ऊपर पावर 1 है, मतलब 100 ही होगा इसका वैल्यू, तो ये हो गया 100 इंटू यहाँ पर पावर है 1, और 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो वो गुना होकर के 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इसका वैल्यू 1। सो कुल मिलाकर के ये हो गया 5 × 10⁻¹ 1, 2, 3, 4, 5, 0 1, 2, 3, 4, 5, 0 सो 5 × 5 × क्या लिखेंगे हम लोग, 5 × 10⁻¹ 1, 2, 3, 4, 5 इतना हो गया। ये किसका वैल्यू आया, ये वैल्यू आया है N2 का, दिस इज N2 और ये N2। तो हम N2 का वैल्यू निकाल लिए, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो 5 × 10⁻¹ 5 टाइम होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर 5 न्यूटन यानी कि N इक्वल टू 5 × 10⁻¹ 5 डाइन, ठीक है। ये हो गया, यानी कि जिस तरह से आप जानते हैं, जिस तरह से आप जानते हैं कि 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10³ ग्राम में। तो 1 kg इक्वल टू 10³ ग्राम, वैसे ही देखिए इधर से 5 इधर से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो उसी तरह से आपको ये भी जानकारी रखना है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵, ठीक है, 10⁵ डाइन या फिर 10⁵ डाइन, ये भी वैल्यू याद रखना है। ये फोर्स के लिए यूज होता है, ये फोर्स के लिए यूज होगा, और ये मास के लिए यूज होता है, आप जानते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, 10⁵ डाइन, ये बहुत आता है एग्ज़ाम में। आप इसको वीडियो को फिर से एक बार आप समझेंगे, ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आता है पॉज करके फिर से सुनें, फिर से समझें, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को एक बार आप अपने से बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग फाइनल लिख दिए है ना कि 5 न्यूटन का जो वैल्यू है डाइन में वो कितना होगा, 5 × 10⁵ डाइन, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो ये यूज हो गया पहला कि 1 सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, SI से CGS में जाने का यही तरीका है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, होमवर्क आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है, कि 3 × 10⁻³ जूल बराबर डैश अर्ग। यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो जूल है ये SI यूनिट है, ठीक है, जूल इज द SI यूनिट, ठीक है, किसका है, SI यूनिट है वर्क का या एनर्जी का, एनर्जी ऊर्जा, ठीक है, और एनर्जी कहिए, ठीक है, और अर्ग जो है, अर्ग ये CGS यूनिट है, CGS यूनिट किसका, यही एनर्जी का ही है। डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का होता है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 और L2 T-2 M1 L2 T-2 और इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो मैंने ये हिंट कर दिया आपको, यहाँ से A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा, ठीक है, और इसका वैल्यू आएगा,
तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इस सब को रिवीजन करना है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।